पौरी से 3 किलोमीटर दूर घने जंगल के बीचों बीच बसे हजारों वर्ष प्राचीन शिव मंदिर पर महाशिवरात्रि के दिन विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। पहाड़ों के बीचों बीच बसे इस मंदिर के चारों ओर निरंतर जल धारा पहाड़ों से लगातार गिरती रहती है। भगवान शिवलिंग पर भी निरंतर जलाभिषेक स्वयं होता है। आज महाशिवरात्रि पावन पर्व के दिन पौरी के पूर्व विधायक एक पाठ एवं पाठ पुस्तक निगम के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री दर्शक प्रहलाद भारती ने शिवलिंग पर जलाभिषेक के साथ पूजा पाठ की। पौरी विधानसभा सहित प्रदेश की सुख समृद्धि की दुआ भगवान से मांगी। पौरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। विधायक महाशिवरात्रि आपने अति प्राचीन केदारेश्वर मंदिर के दर्शन की, क्या कामना की आपने? अति प्राचीन स्थली भगवान शिव की ये प्राकृतिक स्थली जहाँ स्वयं प्रकृति भगवान शिव का अभिनंदन करती है, जलाभिषेक करती है वर्ष भर। ऐसे प्राचीन स्थल पर महाकाल बाबा शिव भोलेनाथ से मैंने प्रार्थना की है यह क्षेत्र न केवल विकसित हो बल्कि सुख शांति और समृद्धि का एक केंद्र बने और इस क्षेत्र में यहाँ के युवा आगे बढ़ें, यहाँ सुख शांति समृद्धि से यहाँ खेती अच्छे से हो और हम सब लोग एक आपसी भाईचारे से यहाँ पर रहें और यह क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के लिए उदाहरण बने।